हाय गाइस, सो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो आ गई है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ देखूँ। तीन तीन कैमरा लगे हुए हैं मेरे सामने, एक तो है रेजर का कीओ और फिर लॉजिटेक का C922 Pro, बहुत ही फेमस, मतलब गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए तो सबसे बेस्ट कैमरा है ये। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लॉजिटेक का एक और C930E, जो कि थोड़ा प्रोफेशनल बिजनेस वेब कैम आ जाता है। सो आज हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि तीनों में से कौन सा अच्छा है। वैसे आप लोग बता दो, ये टिपिकल एक घर की लाइटिंग है, तो घर की लाइटिंग नॉर्मल जैसे ऊपर से जलती है कहीं से, तो उसके हिसाब से जो क्वालिटी आ रही है आप देख सकते हैं। कीओ मतलब कि रेजर कीओ और C922 Pro इज लॉजिटेक का, और आपका C930 ये आपका जो नॉर्मल है लॉजिटेक का बिजनेस वाला। सो अभी हम बात करें, उससे पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, भाई देखो ये तीन तीन कैमरा खरीदने में बहुत पैसा लगता है, तो उसको पैसे को भरने के लिए अपने को सब्सक्राइबर मांगता है, समझा ना। तो सब्सक्राइब करने का तो अपने को ऐसा अच्छा वीडियो आप लोगों को मिलेगा, तो ज़रूर से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको कुछ यूज़फुल चीज़ मिल सके कि हाँ भाई इन तीनों में से कौन सा लिया जाए। एंड तीनों ही लगभग अराउंड 10,000 के आसपास आते हैं। सो अगर बंदा 10,000 खर्च कर रहा है तो वो देख लेता है कि अच्छा 1,000 ऊपर डाल के क्या मिलेगा अच्छा, या 1,000 नीचे में सस्ते में मेरे को कौन सा अच्छा मिल रहा है, तो वो आपको पता चल जाएगा। सो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो कि है ये नॉर्मल लाइटिंग। सो इसमें लाइटिंग में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है रेजर कीओ, जिसमें कि आपको लाइट जो नॉर्मल लाइट है उसके हिसाब से ही काफ़ी अच्छा आउटपुट दे रहा है। और उसके बाद आपका C930E अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसके नीचे आता है C922 Pro जो कि थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा है लाइटिंग के हिसाब से। तो फील्ड ऑफ व्यू इसका जो है कीओ का आपका है 81 डिग्री का, और आपका आ जाता है उसके बाद 78 डिग्री का C922 Pro का, और आपका 90 डिग्री का एंगल व्यू है आपका C930E का, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। बट मेरे हिसाब से अगर स्ट्रीमिंग में देखा जाए तो मतलब वाइड एंगल की ज़रूरत नहीं होती हमें इतनी, क्योंकि जितना छोटा रहेगा तो अच्छा है ना, हमारा क्लटर नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि लिटरली आपको बता रहा हूँ, मेरे को रूम साफ़ करना पड़ा ये C930E की वजह से, क्योंकि कुछ कुछ नहीं दिखता है और वो भी दिखने लग गया था मेरे को, तो फिर मैंने कहा भाई साफ़ कर लेते रूम, तो उसके वजह से मेरे को रूम साफ़ करना पड़ गया। सो अभी हम करते हैं लो लाइट का चेक और फिर उसके बाद कलर वाला भी चेक करेंगे। सो लो लाइट का चेक करते हैं, अभी लाइट्स मैं बंद कर देता हूँ। सो दिस इज़ लो लाइट टेस्टिंग, एंड अब मैं आपको बताता हूँ रेजर कीओ का एक और अच्छी चीज़। सो गाइज, इसमें रिंग लाइट लगी है आपके रेजर कीओ में, तो हम पूरा ले सकते हैं फ़ायदा रेजर कीओ का। सो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हो गया है, और अभी तो रेजर कीओ के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो गया है और बर्न आउट हो रहा है मेरा फेस, तो मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। बट आपका लॉजिटेक में आप देख सकते हैं दोनों में ही बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा है विद दिस सेल्फी लाइट, तो ये काइंड ऑफ रिंग लाइट है विच इज़ अ गुड एडिशन। और आप देख सकते हैं अब मैंने हल्का कर दिया, तो अब कीओ के लिए भी अच्छा है और लॉजिटेक C930E के लिए भी थोड़ा थोड़ा अच्छा है। सो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है 1080p का 30fps और 720p का 60fps, और तीनों में ही आपके 4 या 3 मेगापिक्सल कैमराज हैं, तो उतनी बड़ी बात नहीं होती। और आप जूम वगैरह भी कर सकते हैं ऑब्वियस है, और आप इनके सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके कर सकते हैं काम। सो मैं इसको साइड कर देता हूँ। सब आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी रेजर के कीओ से, जिसमें कि एक ही ओमनी डायरेक्शनल माइक है, जिसमें रिंग लाइट है, एंड काफ़ी अच्छा हो जाता है इस चीज़ में। उसके बाद अब हम चलते हैं लॉजिटेक का C922 Pro से, अब आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी, एंड आप देख सकते हैं कि फुल स्क्रीन में कैसा लगता है ये, एंड ऑडियो कैसी आ रही है आप जज कर सकते हैं। सो गाइस, अब आप मेरे को सुन पा रहे होंगे C930E से, जो कि बहुत ही वाइड एंगल है, तो काफ़ी कुछ सफाई करनी पड़ती है आपको रूम की, जैसा मैंने की। तो वैसे स्ट्रीमिंग में इतना वाइड एंगल की ज़रूरत है नहीं, बट इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है C922 Pro से। सो उम्मीद है गाइज आप लोगों ने जज कर लिया होगा कौन से कैमरे का ऑडियो आपको अच्छा लगा। वैसे इनका माइक कोई यूज़ नहीं करता है नॉर्मली, जो भी स्ट्रीमिंग वाले होते हैं ये सेटअप ही यूज़ करते हैं। बट हाँ, मेरे को C930 का फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा ही वाइड लग रहा है, आप देख रहे हैं माइक किसी किसी में दिख भी नहीं रहा है और C930 में तो पूरा दिख रहा है। सो अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सेटिंग्स कर रखी है मैंने स्ट्रीमलैब्स में और कैसे इसकी डिफ़ॉल्ट होती है। बाय द वे, ये मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वेबकैम में, मैं 1080p पे 60fps पे रखता हूँ, जो कि मैं स्ट्रीमिंग भी 60fps पे करता हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है सच। ऑल दो इसमें बोला गया है कि 30fps तक ही पॉसिबल है, बट अब स्ट्रीमलैब्स में
60 FPS भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब मैं आपको यहाँ सेटिंग्स दिखा रहा हूँ कैमरास की, क्योंकि रेजर कीओ के साथ आपको कोई भी स्ट्रीमिंग का सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं मिलता, वहाँ बस रॉ सेटिंग्स हैं। तो स्ट्रीमिंग के लिए वो लोग हमेशा बोलते हैं स्ट्रीमलैब्स OBS या OBS यूज़ करो। सो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ पहले C922 Pro जो कि हमारा फेमस गेमिंग का कैमरा है। तो यहाँ देख सकते हो आपका C922 Pro लगा हुआ है, कॉन्फ़िगर वीडियो कस्टम कर रखा है, डिफॉल्ट डिवाइस डिफॉल्ट कर दोगे तो 30 FPS हो जाएगा। सो कस्टम कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप और भी बड़ा लेंस है, मतलब ये कैप्चर कर सकता है, बट ज़रूरत नहीं है। 1920x1080 भी सही है। मैक्स आउटपुट FPS कर रखा है जो मेरा जो स्ट्रीमिंग का है, वही आपका 60 FPS पे करता हूँ मैं। वीडियो फॉर्मेट अभी MJPEG और ये सभी है इसके अंदर, और कलर स्पेस ये सभी है, और कलर रेंज ये सब है, छेड़ सकते हैं आप। बफरिंग ऑटो डिटेक्ट कर रखा है मैंने, और यहाँ पे ऑडियो भी इसी की तरफ से आ रहा था जब हम टेस्टिंग कर रहे थे। सो अब देखते हैं C930E का, तो ये सबसे वाइड एंगल वाला हो गया हमारा। तो इसमें भी आपका कस्टम डिवाइस डिफ़ॉल्ट है, और यहाँ पे आप 1920x1080 तक ही जा सकते हैं। आउटपुट FPS हमने कर ही रखा है। वीडियो फॉर्मेट इसमें भी U2 और MJPEG है, और डिफ़ॉल्ट और ये सारी सेटिंग्स हो गई। अब चलते हैं हम रेजर कीओ की तरफ। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, देख सकते हैं USB वीडियो डिवाइस, और यहाँ पे आप वही 1920x1080 तक जा सकते हैं, कस्टम है, और यहाँ पे भी वीडियो फॉर्मेट MJPEG है, और यहाँ पे H.264 का भी सपोर्ट है। तो एक लौता यही है कीओ जिसमें H.264 का भी सपोर्ट है, सो दैट्स ग्रेट, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा आउटपुट देगा आपको वीडियो क्वालिटी में। सो गाइज, Logitech का अगर आप वेबकैम लेते हैं तो आपको ये वाला सॉफ्टवेयर मिलता है C922 Pro और C930E के साथ, और इसमें आप देख सकते हैं फ्रेम रेट और एक्सपोजर आप सेट कर सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि आपको फ्रेम रेट ज़्यादा अच्छी चाहिए, एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा चाहिए, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें Logitech वेबकैम C930, यहाँ पे भी आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ ऑटो वाइड बैलेंस, ऑटो फोकस और ऑटो फोकस वगैरह दोनों में ही, तीनों में ही है ये। इमेज सेटिंग्स आप कर सकते हैं 60 Hz, एंड क्रोमा की कर सकते हैं अगर आपके पीछे क्रोमा लगा हुआ है तो ही, अदरवाइज नहीं होगा, ये कटिंग डायरेक्टली नहीं होगी इसमें। और एडवांस सेटिंग्स दिस एंड दैट, और आप यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ से डबल कैमरा का फ़ायदा उठा सकते हैं इस तरीके से। सो और यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले में चेंज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर कर सकते हैं, विंडो कैप्चर कर सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। सो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। एंड अभी हम चलते हैं यहाँ पे, सो देख सकते हैं 30 FPS तक है फुल HD, और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अलग अलग। और एनकोडर मैंने अपना हार्ड मैन वीडिया का ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ये आ रहा है, और हम इसको बंद करें अगर, और फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया फाइल लोकेशन, एडवांस सेटिंग्स, 3-2-1 काउंटडाउन्स अगर आप रिकॉर्ड करवाएंगे तो 3-2-1 बोलेगा, फ्रेम रेट करना अगर आप कर लीजिए, 5 MP एनहांस स्क्रीनशॉट वैसा लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद ऑडियो में बात करें तो डिफ़ॉल्ट माइक्रोफोन जो भी लगा हुआ है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और आपको सेटिंग्स बता रखी है कि आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से कर लें, आपको बार बार स्ट्रीमिंग में छेड़ा छाड़ी ना करना पड़े, और ये आपका अकाउंट हो गया, दैट्स इट। सो ये सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पे, और सॉफ्टवेयर वर्जन आप देख सकते हैं, ऑटो अपडेट दिस एंड दैट। सो बस यही सब है, आप यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहाँ पे मीडिया जा रही है, ये सब हो सकता है इसमें लॉजिक के कैप्चर में। सो जब आप रेजर कीओ लेंगे तो आपको एक स्नैपीज नाम से रेजर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। आप जैसे ही प्लग इन करेंगे आपको सीधा सीधा आ जाएगा कि हाँ डाउनलोड करो। तो रेजर कीओ पे आप क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रीमिंग का पूरा प्लेटफॉर्म दिखा देता है, आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट, कूल, वाइब्रेंट, वार्म, एडवांस सेटिंग्स में ब्राइटनेस वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें। और एडवांस सेटिंग्स में आप देख सकते हैं ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं पूरा, इसमें आप जूम भी कर सकते हैं, सो दिस इज़ रियली गुड। सो ये सारी सेटिंग्स मिल जाती है आपको, और आप साथ साथ मॉड्यूल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे एलेक्सा इंटीग्रेशन, क्रोमा कनेक्ट, क्रोमा स्टूडियो, मैक्रो यू और क्रोमा विजुलाइजर, और ये सब आप कर सकते हैं इसके साथ साथ। सो बेसिकली यही सेटिंग्स है इसमें जो आप कर सकते हैं, एंड काफ़ी रॉ सेटिंग्स है तो बहुत कुछ आप छेड़छाड़ी कर सकते हैं। सो गाइज, इट्स टाइम फॉर ऑटो फोकस टेस्ट। सो अभी देखते हैं कौन सा ऑटो फोकस कैसा करता है। सो पहले जाएंगे हम रेजर कीओ के पास। और अब हम जाएंगे Logitech 930E, सही है अभी तक तो, और C922 Pro के पास जाएंगे हम।
सही जा रहा है, और आप पीछे कलर्स देख सकते हैं कौन सा सही एक्सपोजर कर पा रहा है लाइटिंग के साथ। सो लेट्स सी। आई होप आपको ये टेस्टिंग में समझ आ गया होगा कि कौन सा कैमरा आपको लेना चाहिए एंड क्या किसकी लाइटिंग अच्छी है, किसकी बेकार है, किसका एक्सपोजर अच्छा है, किसका बेकार है, और किसका ऑटो फोकस अच्छा है, किसका बेकार है। बट एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी रेज़र की, जो कि थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, एंड आपका इसमें ऑडियो थोड़ा सा कम लगा मेरे को, बट स्टिल नॉइस सप्रेशन भी अच्छा है, और आपका रिंग लाइट मेरे को बहुत अच्छी लगी, और ओवरऑल लाइटिंग लो लाइट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा मेरे को इसका। सो गाइज, ये हमारे आ जाते हैं तीनों कैमरास, और इसमें आपका सबसे पहले हम देख लेते हैं C930E, जो कि आपका वाइड एंगल वाला था 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इसमें नीचे ट्राईपॉड लगाने का भी है, बट इसमें ट्राईपॉड नहीं आता साथ में, और इसमें आपका देखिए कैसे भी एडजस्ट करके आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड काफ़ी अच्छा है ये, एंड पूरी अच्छे से फिटिंग हो जाती है आपका मॉनिटर के ऊपर, और या लैपटॉप स्क्रीन होगा वहाँ पर लग जाता है। इसमें आपका है ये तीन तरीके से बड़ा सा बना हुआ है, ये खुल जाता है पूरा इस तरीके से, और इसमें आपका ये सिर्फ लग जाएगा मॉनिटर पे या फिर आपका लैपटॉप पे, और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं ट्राईपॉड के लिए छेद दे रखा है, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, बट इसमें भी ट्राईपॉड नहीं मिलता आपको। और ये रिंग लाइट है, इसको घुमाएंगे तो आपका रिंग लाइट ऑन हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, और इसको आप सॉफ्टवेयर से कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको फिजिकली घुमाना पड़ता है। और अब हम बात करते हैं C922 Pro की, जो कि बहुत ही फेमस है यार, अब क्या ही बताएं। इसके साथ आपको ट्राईपॉड मिलता है मस्त, इसके डब्बे के साथ ही, और इसमें भी सेम आपका तरीके से छेद दिया हुआ है। तो और ये C930E है, इसमें यही डिफरेंस आ जाता है कि इसमें आपको ट्राईपॉड मिल जाता है फ्री में, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ट्राईपॉड की, और ऐसे आप टाइट करके आप इतने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए इसको खोल के ढीला करके ऐसे कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और काफ़ी अच्छा हो जाता है इस चीज़ में मेरे हिसाब से, एंड इसको टाइट कर दिया और ये एक्सटेंड भी हो जाते हैं इसके लेग्स, सो प्रिटी गुड, मतलब एक रीजनेबल हाइट दे देता है, एक मॉनिटर की हाइट अगर आपको नहीं चाहिए ज़्यादा तो उसके हिसाब से ये मॉनिटर के हाफ के हिसाब से पहुंच जाता है, अगर आपके पास 22 इंच का मॉनिटर है उसके हिसाब से, सो दिस इज़ गुड, ठीक है। और किसी के साथ ट्राईपॉड फ्री मिलता है, इसके साथ मिलता है, तो और ये ट्राईपॉड आपको बाहर से लेना तो ले सकते हो, बट लॉजिटेक का ये वाला जो है ना क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। सो अब वायर की बात करें तो आप देख सकते हैं C930 और C922 Pro का सेम वायर है नॉर्मल वाला, बट आपका रेजर में ब्रेडेड केबल मिलती है आपको, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस दे देती है कि भाई अच्छी क्वालिटी हो गया, तो चूहे वगैरह हैं तो बच जाएगी आपकी तार थोड़े दिन एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं। और जैसा आपको पता है रेजर का एक्सेंट होता है, तो ग्रीन कलर का एक्सेंट दे रखा है इन्होंने USB प्लग में, तो ये आपका USB प्लग हो गया और ये आपका ब्रेडेड केबल हो गया। अब मैं एक और दिखा देता हूँ आपको C930E का और C922 Pro का, सेम ही है USB का प्लग, सो आप देख लीजिए नॉर्मल जैसा बेसिक होता है वैसा ही है, सो नो स्टाइलिंग एंड ऑल, ब्लैक कलर का। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि तीनों में आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, सो स्टैंडर्ड वारंटी है जैसा होता है। और मैं अगर आपको रिकमेंड करना चाहूँ तो रेजर एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है, गेमिंग और स्ट्रीमिंग पेरिफेरल्स ही बनाता है, जैसे कि आपका हेडसेट वगैरह हो गया, आपका गेमिंग का कीबोर्ड माउस और आपका जो भी गेमिंग पेरिफेरल्स होते हैं वो, तो काफ़ी प्रीमियम आता है उसमें, तो काफ़ी सोच समझ के बनाता है प्रोडक्ट्स। सो मेरी तरफ से गो अहेड, अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो रेजर की तरफ जाएँ, और अदरवाइज़ आपको नॉर्मल लेना है तो आप C922 Pro ले सकते हैं, काफ़ी सस्ता भी चलता है कभी कभार, तो वो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा। C930 मेरे हिसाब से फालतू का वाइड एंगल भी हो जाएगा और मतलब मज़ा नहीं आएगा, मतलब मेरे हिसाब से फिर C922 Pro जाओ या फिर रेजर क्यों ले सकते हो तो रेजर क्यों लो। सो अब आपको लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनके, सो आप जाके लेटेस्ट प्राइसिंग देख सकते हैं, ऑल दो ये अराउंड 10,000 के आसपास रहते हैं, जैसे कि C922 Pro का प्राइस 8 से 10 हज़ार ऊपर चलते रहता है, नीचे चलते रहता है, कीओ का भी ऐसे चलता है, C930 का 9,000 कुछ का चलता रहता है, सो आप देख सकते हैं आपको जो सही लगे और आप परचेज कर सकते हैं, लिंक्स नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उनको क्लिक करके खरीदेंगे तो हमारे चैनल को हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय।